डर के बैठा हुआ था मैं भैया बिन दिशा की नाव में, और खींची चली जा रही थी गहरी नदी बहाव में। धरती नहीं थी पाँव में, पूरी लाइफ लगी थी दाव पे, चिल्ला रहा था बस लाउड में, खोया रहता था पाँव में। ताने नजर आते थे लोगों के हर सुझाव में, मेरा माता था तनाव में, बस रहता था दबाव में, फिर भी लेकर चलने लगा अपने सारे घाव में, फिर लड़ना नेचुरली आ गया मेरे स्वभाव में। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। खतरों के खिलाड़ी देख लो यहाँ सब, इसकी लाइट भी चालू होती है वैसे, इसकी कोई लाइट वाइट चालू होती है? लाइट चालू हुई क्या? चालू है, कर दिया क्या? नहीं नहीं कम करना पड़ेगा। कम ऑन वर्सेस देयर इज पूरा वेदर ग्लासेस और रिमूव इट। मां कसम इतनी रोशनी थी क्या? हाँ मैं रेडी भाई, एक नंबर रेडी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत ज्यादा मजा आया यार, मैं तो पहले ही बोलता हूँ खतरों के खिलाड़ी बहुत कहाँ मतलब बहुत मजा आया खतरों के खिलाड़ी। मैं पहले ही बोलता हूँ कि बहुत ही टॉप में होने के बाद ही बहुत अंडररेटेड है, क्योंकि टीवी में जो हम लोग करते हैं उसका सिर्फ 2% दिखता है, और जो मजा आया वहां पर जाकर तो ट्रॉफी लिफ्ट करना तो एक वो टिक था कि हाँ चीजें हो गई, लेकिन इट वाज अमेजिंग, बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था जो आपको कभी करने को नहीं मिलेगा। सो आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड हैप्पी एंड लकी। आपका कौन सा फेवरेट स्टंट रहा है उसके अंदर? अच्छा इधर ही देखो हमेशा। कौन सा कैमरा है मेरा, ये है क्या? ओके गॉड। फेवरेट स्टंट मेरा एक्चुअली डायनामिक स्टंट रहते थे, जहाँ पर चॉपर्स आते हैं और पानी के अंदर आप कूदते हो और जो भी चीज़ें होती है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, मैं तो चॉपर में बैठा भी नहीं था ढंग से पहले, सो ऐसा कुछ होगा। एवरी स्टंट, सब स्टंट की एक स्पेशलिटी थी, सीनिक बहुत अच्छा था, बट चॉपर स्टंट और वाटर स्टंट एक्चुअली बहुत 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 एक्साइटिंग था। कितना चैलेंजिंग था डिनो आपके लिए, यू नो जबकि सारे जितने भी लोग थे एक से बढ़कर एक थे, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग? नहीं बहुत ही चैलेंजिंग था यार, आपको लगता है टीवी में देखकर, जैसे मैंने पहले बोला आपको समझ में नहीं आता है वहाँ पर जाकर कि क्या होने वाला है। आई रिमेम्बर पहला ही दिन था और हम लोग वहाँ पर जान रहे थे क्रू को, लोगों से बात कर रहे थे, शिव अर्जित नायरा जितने भी अपने, उन लोग से अर्चना सबसे मिल रहा था, और एकदम से चॉपर आया तो जो फीलिंग होती है आप उसको पकड़ते हो, आपको कभी जिंदगी मिलेगी नहीं। आप राइड में भी बैठते हो तो आप पैसे देकर बैठते हो, आप उसको रुकवा सकते हो, कुछ कर सकते हो, तो यहाँ पर कैमरा है, रोहित सर सामने है, सब देख रहे हैं, आपकी इमेज है, तो इतनी सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती है, तो आप एक एक अलग ही एक चीज़ है। तो बहुत सारे लोग इसलिए स्टंट करने के बाद रोने लगते हैं, और यू नो देख उनको साइलेंस चाहिए रहता है, वो बोलते हैं भाई मुझे 10 मिनट दे दे, मुझे थोड़ा सा बैठना है, तो वो एक बहुत डिफरेंट फीलिंग है, जहाँ पर आपने कभी जिंदगी में अपने आप को इतना पुश किया ही नहीं है। रोहित शेट्टी के अलावा खतरों के खिलाड़ी बन नहीं सकता, उसका कारण दरअसल ये है कि नंबर वन तो वो स्टंट फील्ड से ही आते हैं, और सेकंड तो क्योंकि हमको जानने का मौका बहुत अच्छे से मिला उनके साथ में, हम लोग रहे वहाँ पर, वो बहुत ही ज्यादा एक डिफरेंट पर्सनालिटी है। डिफरेंट व्हेन आई से डिफरेंट इज कि आपको लगता है कि आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। बहुत सारे जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं, स्टार होते हैं, उन लोग ऐसा इंटिमिडेटिंग पर्सनालिटी रहती है, तो उनकी बहुत ही ज्यादा एक, मैंने पहले ही बोला था, एक मेंटर और एक फ्रेंड की पर्सनालिटी है, जहाँ पर वो आपको गाइड भी करते हैं, आपको सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन आपको अब तो स्ट्रिक्ट भी रहते हैं, और एक एक वाइब है जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि नो अ मेंटर, एक बड़े भाई का एक एक एक, एक बहुत फ्रेंडली, एक बहुत ही प्यारा सा कुछ है उनमें, जो ना ही मुझे ना ही कहीं मुझे ऐसा लालच है कि मेरे को कभी उनके साथ काम करना है, ना ही मैं ये सब कुछ रखता हूँ अपने दिल में, वो जो होगा होगा, वो तो उन्होंने बोला भी था, लेकिन उसके अलावा उनकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है कि ऐसा लगता है कि बहुत बहुत रिस्पेक्ट निकलता है अंदर से, यू नो इट्स नॉट अबाउट एनी वर्क रिलेटेड थिंग, इट्स जस्ट हिज ऑरा, इट्स वेरी फ्रेंडली एंड यू वॉन्ट हिम इन द रूम। पता नहीं क्या हो गया था, मेरे को कोई आइडिया नहीं है एक्चुअली, पता नहीं वो दिमाग, उसके पहले मेरा उल्टा डिप वाला हुआ था उसके साथ में, सोंदूस के साथ में, तो मैं गया तो एक बार होता शायद वो ना वो फॉर्म खराब हो जाता है आपका, तो मैं जैसे ही पानी के अंदर गया एक बार मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई, जो कभी मुझे होती नहीं, क्योंकि मेरे पानी के स्टंट सारे बहुत अच्छे हुए थे, तो मैं जैसे ही गया ऊपर आया तो मेरा हाथ पूरा छिल गया था वहां पर, तो मुझे चोट लग गई थी, तो पता नहीं क्या हो गया, रोहित सर बोले थे क्या कर रहा है डी। सो या इट वाज, वो होना भी जरूरी है ना थोड़ा सा,
स्टोरी में ट्विस्ट टर्न्स होना बहुत इम्पोर्टेंट है। चैलेंजर्स के साथ यू नो स्टंट करके कैसा लगा? बहुत अच्छे सब लोग, कभी ऐसा लगा नहीं कि कोई चैलेंजर है। जब आप अंदर जाते हो तो आपको सिर्फ स्टंट खत्म होना होता है, लेकिन कोई भी मतलब सारे लोग, स्पेशली अर्जित और शिव, सब लोग ना एवरीबडी, लेकिन आई विल से अर्जित एंड शिव मोर, क्योंकि मैं बहुत क्लोज हूँ उनके, हम लोग ने बहुत टाइम पास किया साथ में। तो ऐसा लगता नहीं था, कि ऐसा लगता था भाई संभालना, चोट वोट नहीं लगे, बाकी कोई भी जीते चलता है। अर्जित ने और मेरा स्टंट हुआ था एंड ही डिड सो वेल, उसने 10 फ्लैग निकाले थे और मैंने 2 ही निकाला था, और मुझे बिल्कुल भी ऐसा बुरा नहीं लगा कि यार अर्जित ने मुझे हरा दिया। हमारा वो हो गया था, और वहाँ के लोकल लोग भी बोलते थे कि जितने भी ग्रुप आए, जितने भी आप लोग का ग्रुप सबसे टाइट है, कि कभी ऐसा किसी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो, थोड़ा बहुत होता है, इतने 2 महीने साथ में होता हो तो पेरेंट्स के साथ भी हो जाएगा आपका थोड़ा बहुत, कहा सुनी। बाकी आई डोंट नो हाउ टू से अबाउट दिस एक्सपीरियंस। एक्चुअली मैं बहुत डर रहा था वहाँ जाने से पहले कि यार क्या चीज़ें होगी, लेकिन मैंने बोला रोहित सर को, बोला सर वापस बुलाने में आऊँगा। मेंटल स्ट्रेंथ आपके पास है लेकिन आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही तो फिर नहीं हो पाएगा, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो हो जाता है। क्योंकि पहले मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रिलेटेड चीज़ होने वाली है, बट द वे दैट गर्ल्स हैव पुल्ड इट ऑफ, आपने देखा ही है कि रश्मित ने कैसा परफॉर्म किया, या फिर अर्चना ने, या फिर सब लोगों ने, सौंदूस ने, सब लोगों ने कैसा परफॉर्म किया, ऐश्वर्या, नायरा, एवरीबडी, डेजी, एवरीबडी। सो मेंटली यू हैव टू लाइक कन्विंस योर माइंड ऑल द टाइम। जब वो फीलिंग होती है, जब ठंड, एक तो आप लोगों को पता नहीं है कि वहाँ पर ठंड कितनी थी, ऑडियंस को कभी ये दिखा नहीं, जब आप चॉपर से बाहर आते हो ऐसे और आप नीचे झाँकते हो और जो पानी ऊपर आता है आपके चॉपर के पंखों से, और वो चॉपर पूरा हिल रहा होता है, और रोहित सर बहुत दूर खड़े होकर बोलते हैं, तो आपके दिमाग को आपको बोलना पड़ता है कि ये बहुत बहुत डिफरेंट गेम है। कभी मैं वापस बोल रहा हूँ कि टीवी में नहीं दिखेगा आपको, कि जब आपको कन्विंस करके आप बोलते हो कि यार ब्रो करना है अभी है, तो आपके अंदर ना सब कुछ बदल जाता है, और आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली आपको बोलता रहता है लाइफ समान कि क्विट क्विट क्विट, छोड़ना यार, घर जाते हैं, क्या कहाँ फंस गए। बट वो फीलिंग सबसे अच्छी है कि जब आप कन्विंस करते हो और वो पूरा नेगेटिव जब ट्रांसलेट होकर पॉजिटिव होता है, फिर आप अपने ग्रिप कर में, तो अपने हाथ को बोलता था कि भाई देखना छोड़ना नहीं भाई, आप भरोसा कर रहा हूँ, जैसे ग्रिप करता था तो मैं अपने हाथ को बोलता था लिटरली, मेरा देखो उस पर भरोसा कर रहा हूँ, मेरा विश्वास मत तोड़ना, मैं ग्रिप कर रहा हूँ, पकड़े रहना। तो यू नो इतना आप बॉडी से बात करते हो, इतना आप अपने आप से बात करते हो। सो आई डोंट नो, मतलब मैंने टैटू भी बनवाया केप टाउन का, तो मैं मतलब गॉड इज बीन वेरी काइंड, हम तो स्ट्रीट्स पे थे और उसके बाद ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया और यहाँ तक बैठने का मौका दिया आप लोग के सामने, लेकिन उसके बाद भी बोलता हूँ कि ये 2 महीने मेरे लाइफ के बहुत स्पेशल थे। यार जब मैंने सबसे पहला स्टंट किया था ना, तो मुझे सौंदूस और शिव बहुत ज्यादा टफ लगे थे, लेकिन जैसे जैसे क्या है ना, खेल आगे बढ़ता जाता है, आपके आप टफनेस लोगों की बदलती रहती है, जैसे कि पूरे स्टंट आपको नहीं समझ में आते, तो ऐश्वर्या जैसे करंट स्टंट बहुत अच्छा करती थी, जो मैं अभी आप लोग ने देखा कि वो मैं अभी जो फिनाले करूंगा मैं उसके पहले का स्टंट, मतलब मैंने 3 दिन तक आवाज़ मिली, पता नहीं आप लोग एयरपोर्ट में आए थे कि नहीं, पता नहीं कौन आया था, जब लोग आए थे सो मैं बोल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि 3 से 4 दिन तक मेरी आवाज़ चली गई थी। सो लेकिन ओवरऑल खतरों के सेकंड के बाद में मुझे पता लग गया था कि अर्जित विल डू इट। अर्जित मुझे बहुत स्ट्रांग लगता था, मुझे पता नहीं, वो सम रीज़न मुझे लगता था कि अर्चना बहुत कुछ कर देगी, वो कुछ कर देती थी, वो मस्ती करेगी, अरे यार कुछ करेगी, और जैसी स्टंट होता था वो कुछ कर देती थी अर्चना, तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल, मतलब लोग बहुत वियर्ड थे, हाँ अनएक्सपेक्टेड थे। सौंदूस बहुत अनएक्सपेक्टेड थी, वो बोलती थी मैं डर रही हूँ, रोएगी, आप लोगों ने देखा था जो डिप वाला स्टंट था उसके बाद भी। सो अलग मतलब कुछ तो हो जाता था लोगों को, पता नहीं क्या क्या करते थे, मतलब तो या मतलब कुछ एरिया थे जहाँ पर मुझे मालूम था कि जैसे कि कुछ लोग नहीं तैर पाते हैं तो उसका मुझे बेनिफिट मिलेगा, या फिर रश्मित करती थी स्टंट तो उसको भी डर नहीं लगता था। ऑल सीजंस में आप एक पहले रैपर रहे जी, जिन्होंने पार्टिसिपेट भी किया जी, और शो को विन भी किया जी, तो कैसी है वो फीलिंग? अच्छी फीलिंग है यार, मैं तो अपना जब अभी मेरा जो लास्ट स्टंट हुआ था, मैं बहुत रोया मैं, वो जॉय भी था, वो एक सर्टिफिकेट भी था कि यू नो आप यहाँ तक पहुँचे, हम सब बाहर से आए ना, हम लोग सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें सिर्फ ऐसे ट्रॉफी उठाने की नहीं होती, तो उसके साथ बहुत सारी ऐसी फीलिंग आ जाती है, यू नो बहुत सारा आपका सफर आ जाती है, आपकी जगह आ जाती है, तो
बहुत वो आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो आप किसी को बता नहीं सकते, वो आपके अंदर चल रहा होता है, वो सब शुक्रिया बोल सकते हो ऊपर वाले का कि यार यू नो थैंक यू फॉर व्हाट एवर इज हैपनिंग। लास्ट टू क्वेश्चन, फर्स्ट आपने जब रैपर में यू नो रैपर इंडस्ट्री में जब आपने हिप पहला हॉप आपका इंडस्ट्री हिप हॉप इंडस्ट्री में जब कदम रखा था, आपका पहला रैप था लूजर पर, वो पहला गाना और आज की यही जो यही मैं ट्रॉफी बोल रहा है। हूँ एक्चुअली, मैं वही बता रहा हूँ जी। ट्रॉफी उठाते हैं तो आपका सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं होता है और कुछ वो नहीं होता है कि आप कहाँ से आ रहे हो और जिंदगी कितनी चेंज हो जाती है एकदम से। मतलब यू नो दैट आई वाज जस्ट टेलिंग समबडी दैट देयर वाज नो मनी टू पे रेंट, देयर वाज नथिंग वहां से लेकर यहाँ पर। तो इट मेक्स यू वेरी हम्बल, यू नो कि आप बहुत हम्बल फील करते हो कि यार कि क्या है, मतलब कुछ तो भी हो रहा है। तो केप टाउन में भी बहुत होता था मेरे साथ कि मैं ऐसे आता तो मैं सुबह निकल के जब लोग सेट पे पहुंचते थे तो हम लोग को स्टंट देखना अलाउड नहीं था, तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट चलता है, कुछ भी रिक नहीं होता, कुछ 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 ना देखने देते ना कुछ करने देते हैं। अगर कहीं जा रहे तो आंखों में पट्टी बांधते, मेरे को लग रहा था टाइम पास वो करेंगे लोग, ऐसा कुछ नहीं है भाई, उन लोग कुछ कुछ देखने नहीं देते। तो पर्वत और को देखता देखते बड़े बड़े वहां पर थे, ऐसा लगता था कि यार हम लोग बहुत छोटे हैं और हम बहुत छोटे काम कर रहे हैं जिंदगी में, यू नो मतलब बहुत ही छोटे हैं। तो वो फीलिंग हमेशा मुझे बहुत हम्बल रखती थी वहां पर, क्योंकि वहां पर सीनिक बहुत था, तो नेचर आप इतना बड़ा बड़ा देखते हो ना, इसलिए शायरियां निकलती वहां जाके, शायर बन जाते हो आप। लास्ट 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 वो बेचारा कब से बोल रहा है, उसको पूछने देना। अबाउट रैपिंग कम्युनिटी में से, अंडरग्राउंड हिप हॉप म्यूजिक कम्युनिटी में से ही एक बंदा लास्ट ईयर बिग बॉस का ट्रॉफी उठाया, जो कि एमसी स्टैन थे, दोनों ही कलर्स के शो हैं, खतरों के खिलाड़ी साथ ही बिग बॉस भी। आपकी जानकारी में, आपके हिसाब से कौन से शो की ट्रॉफी उठाना ज्यादा बड़ी बात है, बिग बॉस या फिर कंट्रोवर्शियल सवाल पूछा तो कुछ नहीं यार, दोनों बहुत बड़े शो है और दोनों के लिए आपको कैरेक्टर चाहिए, दोनों के लिए आपके अंदर दम चाहिए। मतलब एक रूम में बंद होकर बातें करना और वहां पर इतना कुछ मैनेज करना और फोन नहीं आपके पास कुछ नहीं, वो भी छोटी मोटी बात नहीं है भाई, बड़ी बात है वो, लगता है दूर से। मतलब आपके पास कुछ नहीं है, आप 10 लोग के बीच में पड़े हुए हो और आपको सब लोग देख रहे हैं, आपके कितनी सारी चीजें छुपा के रखते हो ना आप लोगों से, बाहर आ रही है आपको पता है, अब विस्पर कर रहे हो तो कैमरा कैप्चर कर रहा है, वो छोटी मोटी बात थोड़ी है। मतलब वो दिखता इजी है लेकिन इट्स वेरी टफ थिंग टू डू। तो सबके लिए एक स्किल चाहिए, सबके लिए एक पर्सनैलिटी चाहिए, सबके लिए एक गुर्दा चाहिए, तो दोनों अपनी जगह, तभी वो शो दोनों इतने बड़े। मतलब इंडिया के टॉप रियलिटी शो ही इसीलिए, क्योंकि ये दोनों शो का नेचर ही ऐसा है कि कोई रेगुलर इंडिविजुअल वहां टिक नहीं सकता, खतरों में कोई कोई नहीं आ सकता ऐसे मुंह उठा के, ऐसे बिग बॉस में नहीं आ सकता कोई। आपको लगता है कि आप वहां पर रहोगे, आप इतने लोग के बैठ, सब लोग को अटेंशन चाहिए, सब लोग कुछ कर रहे हैं, उसके बीच में आपको रहना है। सो सबका नेचर अलग अलग, इसलिए कोहली एंड बुमराह, यू नो ये नहीं बोल सकते अरे यार बैट्समैन बड़ा, बॉलर नहीं तो बैट्समैन क्या करेगा भाई। क्या दीवा आपको बिग बॉस का अप्रोच क्या किया, और अगर करें तो क्या आप करना पसंद करेंगे? मैं आई डोंट थिंक कि मैं कर पाऊंगा, क्योंकि मतलब सब लोग करना चाहते हैं लेकिन मुझे लगता नहीं मैं ऐसा बना हूँ, यू नो मेरे को मैं कर नहीं पाऊँ, दैट्स नॉट माई शो आई थिंक। जब खतरों की बात हुई थी तो जितने लोग मेरे को जानते हैं, मेरे दोस्त यार सब लोगों ने बोला भाई ये तेरा शो है, क्योंकि मैं हूँ, गाँव में रहा हूँ, पेड़ों पर पे चढ़ा हूँ, यू नो क्या क्या किया है, डैड के यहाँ पर जाते थे तो मैं आँख बंद करता था, मुझे तो बचपन याद आता था, यू नो तो क्या वहाँ एक पेड़ था और मोम बोलती थी कि उसमें मत चढ़ा कर, मैं कितनी बार गिरा हूँ वहाँ से, तो वो सब मुझे लगता था कि यार और बीच में लगता है कर लूंगा मैं, तो गॉड इज बीन काइंड चीज होगी। सो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, देखो आपने जब स्टंट आपके वहां पर जब शूट हो रहा था, आपने एक हिप हॉप बनाया था और वो स्टंट को देखकर, सो अभी जब आप ट्रॉफी जीते हो तो आपने क्या हिप हॉप बनाया, क्या? नहीं मैंने कुछ बनाया नहीं ब्रो, मैंने कभी क्या क्या गाना चाहूंगे अपने फैंस के लिए या कुछ नहीं, आई मीन यू नो आई डोंट नो, मतलब यू नो एनी शायरी जो पहाड़ों से, एक रैपिंग में अपने फैंस को मैसेज देना चाहूंगा, एक रैप सुना दो डट के बैठा हुआ, मैं सोच रहा हूँ कौन सा सुनाऊँ, बहुत सारे गाने लिखे मैंने, सोच रहा हूँ मैं, सोचने दो। डर के बैठा हुआ था मैं दिशा की नाव में और खींची चली जा रही थी गहरी नदी, डर के बैठा हुआ था मैं भैया बिन दिशा की नाव में और खींची चली जा रही थी गहरी नदी बहाव में, डरती नहीं थी पाव में, पूरी लाइफ लगी थी दाव पे, चिल्ला रहा था बस लाउड में, खोया रहता था पाव में, ताने नजर आते थे लोगों के हर सुझाव में, मेरा माता था तनाव में, बस रहता था दबाव में, फिर भी लेकर चलने लगा अपने सारे घाव में, फिर लड़ना नेचुरली आ गया मेरे स्वभाव में। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।